तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ एक सुपरमार्केट में, तो सुपरमार्केट में जाके मैं पता करता हूँ किस तरह से जॉब रहती है, किस तरह से रिक्वायरमेंट, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उसमें जॉब करने के लिए। तो चलो चलते हैं अभी। तो ये अभी हम अंदर आ चुके हैं सुपरमार्केट में। तो आप देख सकते हो सामने जो ये सामान रखा हुआ है सुपरमार्केट में, ये बड़े वाला सुपरमार्केट है। इसमें दो तरह के सुपरमार्केट रहते हैं, एक छोटे वाला जो रहता है उसमें वो छोटी दुकान जैसी होती है, और ये जो हम आए हैं बड़े वाला सुपरमार्केट है। तो इसमें सब सामान अपनी जगह पड़ा होता है, जो कस्टमर आता है ना इस पे, वो अपने हिसाब से जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है वो अपना सामान उठाता है। जैसे आप देख सकते हो करण भाई ने अभी चावल का ये बोरी उठाई है, उसके बाद ये जितने भी कस्टमर अपना सामान जो है वो ट्राली में डाल के कैशियर के पास जाते हैं, फिर कैशियर के पास जाके अपना जो पेमेंट है वो पेमेंट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अभी कोई इधर भाई मिलता है तो उससे हम बात करेंगे। नेपाल से थोड़ा बता सकते हो कितने घंटे ड्यूटी रहता है इधर? कितने घंटे ड्यूटी रहता है? 11 घंटे ड्यूटी है। और जो नया आदमी आएगा उसका कितना सैलरी मिल जाएगा? ये तो डिपेंड होता है यार। कोई क्वालिफिकेशन वगैरह? क्वालिफिकेशन है तो वही है। कितना मिनिमम? 12 पास। 1200 से ऊपर है। 1200 रियाल से ऊपर ना। और क्वालिफिकेशन कम से कम 10+2। और फ्लो उसको इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, और कम से कम उसको लिखना पढ़ना इंग्लिश में आना चाहिए। ओके, अरबी तो इधर आके जाने। हाँ, अरबी तो इधर आके आदमी सीख सकता है। और रूम फैसिलिटी तो देते ही है ना? खाना बैठना फ्री है। ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने ये भाई से बात करी है, भाई नेपाल से हैं। अंदर जो है वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। लेकिन उससे मैंने बात करी, मैं बात आपसे शेयर करता हूँ। ये इसमें आप कैशियर के काम में आ सकते हो। उसके बाद कैशियर के काम में अगर आना चाहते हो तो आपको मर्चेंडाइजर के बारे में पता होना चाहिए। जो मर्चेंडाइजर का जो क्वेश्चन है, भी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं। मर्चेंडाइजर का मतलब होता है डिस्प्ले करना ऐसा होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ग्रोसरी हो गया, जैसे मानो चिप्स का पैट है, उसको आप किस तरह से रखते हो जाकि जो भी कस्टमर बाहर से आए तो उसके लिए आई कैचिंग होना चाहिए, कि आते ही उसकी नज़र उस पर पड़े तो वो उसको परचेज करने का उसका मन हो। तो अभी हमने जो भाई से बात करी, उन्होंने ड्यूटी टाइम तो बता दिया कि 10 से 12 घंटे के बीच रहता है। लेकिन अगर आप आईटी या फिर अकाउंटेंट के काम में आते हो तो उसमें आपका जो है वो ड्यूटी टाइम 8 से 9 घंटे के बीच रहेगा, और सैलरी भी आपको 2000 मिनिमम से लेके ऊपर तो आप क्या ही बताएं भाई, क्योंकि यहाँ पे 3000-4000 तक भी हो सकती है उसमें अकाउंटेंट और आईटी के इसमें अगर आप आते हो तो। और अगर आप क्लीनर हो गए या कैशियर में अगर आप छोटी शॉप में जाते हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कैश ही काउंट करना है, उसमें आपको कई बार साफ़ सफाई का काम भी करना पड़ जाता है जो छोटे छोटे जो सुपरमार्केट रहते हैं। तो इस तरह से भाई आप देख सकते हो कि ये सारा काम जो है यहाँ पे न्यूमरेसी, इनके आपको कम से कम भी एक्सेल आना चाहिए, और उसके बाद जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी इधर आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है। सामान ले भी लिया। तो गाइस, एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपकी कोई भी इसमें क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, क्योंकि अगर आप पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इस चीज़ के बारे में आपको जानना है। तो ये छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कीप वॉचिंग, कीप हसलिंग, टेक केयर।